अब HCF निकालते कैसे, उसके दो तीन तरीका होता है, यानी कि A को डिवाइड करने पर X रिमाइंडर आता है, B को डिवाइड करने पर Y रिमाइंडर आता है, और C को डिवाइड करने पर क्या बोल रहे हैं, 821 में माइनस करोगे आप 5 तो ये कितना हो जाएगा 800, जहाँ पे एक ऐसा नंबर आएगा जब वो कम्प्लीटली डिवाइड कर जाएगा। टॉपिक का नाम है HCF एंड LCM, ठीक है, हिंदी बोला जाता है इसको महत्तम समापवर्तक, ठीक, और लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आप लोग को बेसिक नॉलेज आप लोग का चेक करता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं अगर आप लोग को एक नंबर दे दिया, मान के चलो 2, 5 और 6, ठीक है, तो इसका HCF क्या होगा और LCM क्या होगा वो बताइए। आप लोग बस ऐसे बताइए, बाकी तो मैं अच्छे डिटेल से इसको पढ़ाऊंगा। बताइए 2, 5, 6 है, ठीक, तो इसका HCF क्या होगा और LCM क्या होगा। तो कॉमन फैक्टर नहीं है तो क्या होता है आंसर, वन होता है ना, हाँ, तो वही आंसर है HCF। और LCM क्या होगा, 30 आएगा, है ना, ठीक है। तो HCF आता है इसका 1 और LCM का वैल्यू क्या होता है आपका 30, ठीक। कैसे आएगा हम लोग देखेंगे, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ समझेंगे, ठीक। तो HCF और LCM से पहले हम लोग HCF को समझते हैं, ठीक है। ये HCF का ना मीनिंग जो है आपका, इसके आप वो करोगे क्या बोलते हैं, ब्रीफ करोगे, उसी में ही आ जाता है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। आपको ना यहाँ पे दो तीन चीज को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फैक्टर क्या होता है आप लोग को पता है, ठीक। जैसा अगर मैं आप लोग को बोलूँ कि 6 का फैक्टर निकालना है, ठीक है, तो क्या क्या होगा, क्या क्या, नहीं नहीं वो फैक्टर थोड़ी होता है। फैक्टर ये होता है कि ऐसे नंबर्स जिससे 6 डिवाइड हो सकता है, ठीक है। और शुरुआत करेंगे किससे, 1 से, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा डायरेक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, फैक्टर्स होते हैं, क्लियर। उसके बाद यहीं पे अगर आपको बोला जाए 12 का, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5 होगा, क्या नहीं होगा, 6 होगा, ठीक। उसके बाद सीधा 12, ठीक है। तो ये सब होगा, क्लियर है, क्लियर है ना सबको, ठीक है। तो अब देखो, अगर आपको पूछा जाए कि 6 और 12 का क्या बोलते हैं HCF क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फैक्टर बताना होगा, ठीक है। तो फैक्टर में हम लोग देखें अभी जस्ट क्या क्या है, 1, 2, 3 और 6 है, ठीक है। 12 में देखें तो क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 6 और क्या है आपका 12 है, क्लियर है, ये क्या है, फैक्टर है। अब अगले टर्म को जोड़ते हैं और उससे इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों में कॉमन कौन कौन सा नंबर है उसको देखेंगे। तो ये नंबर कॉमन है भाई, ये भी नंबर कॉमन है, ये भी नंबर कॉमन है और ये भी नंबर कॉमन है, क्लियर है, ठीक है। अब इस तीनों फैक्ट नंबर को ऐड कीजिए और क्या बोला जा रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये दोनों में से सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 6 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 6, क्लियर। अब समझ आया HCF क्या होता है, आपको क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। फैक्टर तो कॉमन है ही, लेकिन उसमें क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्लियर। या आप लोग इसको एकदम आसान शब्दों में लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, कि वह संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे,
ठीक है, वह संख्या जो दी हुई संख्या क्या करे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे, ठीक है, वह सबसे बड़ी संख्या लिखने इसको ना, ठीक, ये क्या होगा आपका HCF होगा, क्लियर है, ठीक। अब HCF निकालते कैसे, उसके दो तीन तरीका होता है, उसको हम लोग समझते हैं, ठीक। HCF निकालने के लिए देखो क्या होता है, एक फैक्टर मेथड होता है, ठीक। जैसे अभी आपको क्या बोल दिया गया, 6 और 12 है ना, तो आपको उस नंबर से स्टार्ट करना है जो दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड करे, जो 6 को भी डिवाइड करे और 12 को भी डिवाइड करे, तो एक तो होता ही होता है, ठीक है, कुछ नहीं होगा तो एक तो होगा ही, लेकिन ऊपर का सोचना है पहले, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से, ठीक, ये 2 3 6 कर देगा और 2 6 12 कर देगा। अब किससे देंगे, 3 से, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद नहीं होगा HCF में, इसके बाद नहीं होता, लेकिन LCM में जाते हैं इसके बाद, HCM में इसके बाद नहीं होगा, ठीक। आप ये दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। HCF क्या हो जाएगा इसका, 2 × 3 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर है ना सबको। चल तो आप लोग को प्रैक्टिस सेट मिला है, उसमें से पहला क्वेश्चन को बनाइए इसका, एक मिनट, किसका है, LCM का, LCM का कैसे आ गया यार, देखते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, अरे वही होता है ऊपर लिखा ना, महत्तम समापवर्तक, फैक्टर होना चाहिए था, मल्टीपल लिखा गया है, चलो बनाओ, मतलब इसका HCF ही निकालना है। 42, 63 और 140 का क्या निकालना है आपको, HCF, चलो बनाओ। नहीं आता, अच्छा हो गया, क्या रहा आंसर, 7 आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक, 7 आएगा। इसको हम लोग इस मेथड से बना लिए, कैसे, 42, 63 और 140 है ना, ठीक। हम देख रहे हैं कि ये 7 से जा रहा है, 2 3 4 5 ऐसे तो नहीं जा रहा है, 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखो 7 6 42, 7 3 63 और ये 20, और यहीं पे गाड़ी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्लियर। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाइए भाई आप लोग। 36 और 84 का HCF क्या होगा, ये ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है बार बार, इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर करना है ना, 12 आएगा, ठीक। कैसे आकाश बन रहा है कि नहीं बने ना, बचपन में बनाया तो हो ना, 12 आ गया, चलो देखते हैं इसको, है ना, देखो कैसे बनेगा, ये ऐसे, ये 36 और क्या 84, ठीक है। स्टार्ट किससे होगा, 2 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 और कितना हो जाएगा भाई, 42, ये हो जाएगा 2 से 9, ठीक है, और कितना हो जाएगा, 21। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 9 और 3 7 21, इसके बाद नहीं जाएगा, तो ये तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, HCF वाली हो जाएगा 2 × 2 × 3 बराबर क्या हो जाएगा, 12, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है, 2 × 2 × 3 बराबर क्या हो जाएगा इसका, 12 हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल है, इसको सुधारिएगा, और ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक, चलो बनाओ इसको। 42, 70, 98 एंड 126, इसका HCF क्या होगा, इसका 14 आ रहा है, ठीक है,
कैसे बनेगा ये देखिए, देखो, अरे फोर्टी टू, सेवेंटी, 98 और 126, ठीक है, दो से शुरू होगा, ठीक। अब ये जो नंबर है सात से जाएगा, ठीक, और ये हो जाएगा आपका क्या, 2 इंटू 7 इक्वल्स टू 14, आपका ऑप्शन नंबर डी ये 14, क्लियर है, ऐसे करके बनेगा, ठीक। आगे अगला बताइए, इसका 12 आ रहा है, ठीक है, 216, 228 और 720, ठीक है, बनाइए इसको, क्या बनेगा, 12 आएगा ना, 12 आ रहा है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक। ये देखिए ऐसे बनेगा, ये 216, 228 और 720, ठीक है, दो से शुरू होगा, इसको 18 तो नहीं कर दियो ना कोई, है ना, यहाँ पे 18 होता है जनरली, है ना, करते करते कैसे आकाश कर दियो क्या, है ना, तो ये 108 होगा ना, 18 नहीं होगा, कितना होगा, 114, ठीक, और ये 360, फिर दो से जाएगा, 54, ठीक है, 57, और कितना, 180, ठीक। अभी किससे जाएगा, तीन से जाएगा, तीन एकम, तीन अट्ठे 24, तीन एकम, तीन नियम 27, और ये 60, बस यहीं पे ख़त्म हो जाएगा ना ये, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3, ये कितना हो जाएगा आपका, 12, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है, ऐसे करके बनेगा। आगे बढ़े, इसका बनाओ, इसका 6 ही आएगा, कितना आएगा यार, आए नहीं, ये कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, इसका आंसर 6 आएगा, ठीक है, कुछ ना यहाँ पे मिसिंग हो गया, 672 और 120 ऐसा तो होगा नहीं, है ना, तो ये विलोपित है ना, ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, विलोपित, टाइपिंग मिस्टेक, ठीक। चलो चलो, तो ये हो गया आपका क्या, आपका जो बेसिक क्वेश्चन था वो यहाँ पे होता है खत्म, क्लियर, जो बेसिक बेसिक था जिसमें अपने को निकालने सीखना था, HCF कैसे निकालते हो, होता है ख़त्म, ठीक है। आप HCF से देखो, इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग बना लोगे, लेकिन एग्जाम में अब ना इससे ऊपर के लेवल के क्वेश्चन आने लग गए, ठीक है, कि HCF में रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, शेष फल पे आधारित, ठीक है, तो रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन में तीन टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, देखो, एक में क्या होगा ना कि रिमाइंडर गिवन रहेगा, ठीक है, रिमाइंडर नॉट गिवन रहेगा, ठीक, एक में क्या होगा आपका रिमाइंडर दिया रहेगा और एक में क्या होगा आपका रिमाइंडर नहीं दिया रहेगा, ठीक। जब रिमाइंडर दिया रहेगा ना तो उसमें भी दो रहेगा एक टाइप, एक में आपको सेम रिमाइंडर, ठीक, और एक में आपको डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर दिया, ठीक। क्वेश्चन आपको ऐसा बोलेगा कि ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसमें दी हुई संख्या को भाग देने पर वो कभी एक से शेषफल देता है, कभी दो से शेषफल देता है, तीन से शेषफल देता है, ठीक है, या समान से शेषफल देता है, ऐसे करके आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। आगे क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो वैसे टाइप के आपको दिखेंगे, ठीक है। तो मान के चलो आपको जो नंबर दिया है वो ए बी सी है ना, जो भी नंबर क्या है, ए बी सी है, क्लियर,
अगर एबीसी में आपको बोला जाए कि एक रिमाइंडर है एक्स जो सम में बचता है, ठीक, तो उस केस में आप क्या करोगे, ए माइनस एक्स करोगे, बी माइनस एक्स करोगे और सी माइनस एक्स करोगे। यहाँ से एक नंबर बन के आएगा ए डेस, बी डेस और सी डेस, इसका आप लोग निकालोगे एचसीएफ। ठीक है, क्वेश्चन आगे आएगा तो क्लियर होगा। ठीक है, अभी बस समझते चलो कि कौन से केस में क्या करना है। ठीक, अगर रिमाइंडर सेम देने दिया जाए तो उस केस में क्या करना, जितना भी नंबर है सबसे आप माइनस कर लेना और जो भी नया नंबर आएगा उसका एचसीएफ निकालना। ठीक है, अभी फिलहाल नोट करते चलो, ये क्लियर हो जाए, एकदम ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं। तब आपको निकालना है एचसीएफ ऑफ ए डैश बी डैश और सी डैश। क्लियर, अलग अलग रिमाइंडर मान के चलो आपका एक्स वाई जेड है रिमाइंडर। ठीक है, यानी कि ए को डिवाइड करने पर एक्स रिमाइंडर आता है, बी को डिवाइड करने पर वाई रिमाइंडर आता है और सी को डिवाइड करने पर क्या बोल रहा है, जेड रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है आपको कि ए माइनस एक्स कर लेना, ये ए डेस हो जाएगा, बी माइनस एक्स कर लेना, ये बी डेस हो जाएगा, सी माइनस एक्स कर लेना, ये सी डेस हो जाएगा। अरे यार वाई जेड है ना, अरे बी माइनस वाई करोगे तो बी डेस हो जाएगा, सी माइनस जेड करोगे क्या हो जाएगा, सी डेस हो जाएगा। ठीक है, आपको निकालना होगा एच सी एफ किसका, ए डैश बी डैश और सी डैश का। ठीक है, आपको क्या निकालना होगा, ए डैश बी डैश सी डैश का, फिर एच सी एफ निकालना होगा। ठीक है, अभी बस दो मिनट वेट कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा ना तो सब क्लियर भी हो जाएगा। ठीक, अब अगर आपको रिमाइंडर दिया नहीं है, ठीक है, और बोला जा रहा है कि सेम रिमाइंडर आता है करके, ठीक, तो उस केस में क्या करना है, आपको दिया जाएगा ए बी सी, तो आपको a माइनस बी करके एक नंबर आएगा उसको निकालना, b माइनस सी करोगे तो एक नंबर आएगा, a माइनस सी करोगे तो एक नंबर आएगा। ठीक है, x y z ऐसे करके आ गया मान के चलो, तो उस केस में हम किसका निकालेंगे एच सी एफ, एक्स वाई और z का। नहीं नहीं, ए बी सी आपको दिया रहेगा और बोलेगा कि हर एक कंडीशन में सेम रिमाइंडर आता है करके, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, a माइनस बी कर लेंगे, b माइनस सी और c माइनस डी। ठीक है, एक केस, हाँ वो अब वो डिपेंड करेगा कि वो कौन सा नंबर बड़ा कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, हाँ एक्स वाई जेड निकालेंगे। ठीक, उसके बाद एच सी एफ किसका निकालोगे आप, एक्स वाई जेड का। ठीक है, तो ये हो गया, अब एक कंडीशन और छूट रहा है, मेरे को ऐसा याद नहीं आ रहा इसमें, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहीं पर नोट करवा दूंगा ताकि आप लोग को जो इसका पी डी एफ मिलेगा उसमें सब कुछ रहेगा। ठीक, चलो अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक, और बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो और एक कौन से कंडीशन का उसको समझो पहले। ठीक, डिफरेंट रिमाइंडर वाला है। ठीक, तो उस केस में क्या करना है कि रिमाइंडर को हर एक से आपको माइनस करना है और जो भी नंबर आएगा उससे क्या क्या निकालना है आपको, एच सी एफ निकालना है। चलिए स्टार्ट कीजिए, फिर क्या आएगा बताएंगे फिर। आया कुछ आंसर? नहीं
136 आ रहा है, ठीक है। बना देखो, सबसे पहले क्या करना होगा आपको, 411 में कितना माइनस करोगे, कितना माइनस करोगे, 3 माइनस करोगे, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका, 408 आ जाएगा, ठीक। फिर 684 में आप क्या माइनस करोगे, 4, तो ये कितना आ जाएगा, 680, ठीक है। और 821 में माइनस करोगे आप 5, तो ये कितना हो जाएगा, 816, क्लियर है, ठीक है ना। अब क्या करोगे आप, इसका आप निकालोगे HCF और HCF निकालोगे ना ऐसे करके, ठीक, क्लियर। अब देखो आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ोगे ना तो थोड़ा आगे बढ़ सकते हो आप, ठीक। इसको आप या तो अगर 8 से जा रहा होगा तो 8 से डायरेक्ट कर सकते हो, 4 से जा रहा होगा 4 से डायरेक्ट कर सकते हो, 12 से जा रहा होगा तो 12 से डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 8 से तो मेरे जाते दिख रहा है, तो मैं इसको 8 से कर लेता हूँ, ठीक है। 8 × 5 = 40 और 8 × 1 = 8, ठीक है। 8 × 8 = 64 और 8 × 5 = 40, ठीक है। फिर 8 × 1 = 8 और 8 × 2 = 16, 82 टाइम्स में जाएगा ना ये, वही तो मैं बोलूँ, हाँ गड़बड़ कैसे हो रहा है वही समझ नहीं आ रहा, ठीक है। 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, ठीक। अभी किससे जाएगा, 3 से जाएगा, किससे जाएगा, 17 से, ठीक। 17 × 3 = 51, यही फंस गए होगे आप लोग सभी, है ना, है ना। 85 तो होता है, हाँ ठीक है। और ये 17 × 6 = 102, ठीक है। आप 17 × 8 करो, आपका आंसर आ जाएगा 8 × 7 = 56, 8 × 5 = 5, 8 × 5 = 13, 136, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 136, क्लियर है। बढ़े आगे, चलिए अगला प्रश्न बनाएंगे आप लोग, आपके उसमें भी है। देखो अभी कौन से कंडीशन का आ गया केस बताइए, सेम रिमाइंडर वाला है ना, तो इस केस में क्या करना है, एक दूसरे से माइनस करना है और जो भी नंबर आएगा उसका HCF निकालना है, ठीक है। तो बड़े से छोटे को माइनस करना है ना, आपके कोई नेगेटिव वैल्यू लेके आप माइनस मत करिएगा, ठीक है। ठीक है।
देखें कैसे बाकी लोग कैसे नहीं कर पा रहे हो आप लोग, देखिए वन एट सिक्स एट माइनस 1356 करेंगे कितना आएगा वैल्यू बताइए, 800 बताओ वैल्यू, 512 ठीक है, 2764 माइनस 1356 करोगे कितना आएगा बताओ, एक वैल्यू तो इसको भी करना है ना, घटाना है, और 2764 माइनस 1868 कितना आएगा, किसमें इसमें कि उसमें, 907 कैसे आएगा, कैसे कर रहे हो यार आप लोग, नहीं समझ आ रहा क्या कुछ, तो 907 क्यों बता रहे हो, कितना आएगा इसका 896 और इसका कितना आ रहा है 1408 ठीक है। एक तरीका और होता है HCF निकालने का, उसको लगा के देखते हैं, अगर आ गया आंसर तो ठीक है, ठीक है। 512 को आप भाग दो 896 से, ये कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा ना, ठीक, तो एक बार जाएगा, 512 को आप माइनस करो, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 384, ठीक है, फिर 384 हो जाता है वो भागित बन जाता है, और फिर आपको डिवाइड करना होता है 512 से, ठीक है, थोड़ा लंबा चले जाता है कभी कभी, ये फिर से एक बार में जाएगा 384 में, ठीक, कितना बचेगा 8, 12 में 4 घटाएंगे तो 8, यहाँ पे बच जाएगा 12, 128 बच जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पे कितना है 384, ठीक है, तो ये तीन बार में चलेगा क्या, 8 + 24 हंस ले दो, 3 × 2 = 6, 8, 3 × 1 = 3, ठीक है, तो ये 3, ठीक है, तो ये एक नंबर है जो इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और अगर वो ऑप्शन में अवेलेबल है तो वही इसका आंसर होता है, ठीक है। मतलब इसमें क्या करना होता है ये वाले मेथड में मैं बता रहा हूँ, देख तो वो मेथड पहले वाला देखे थे वो, इसमें जब बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे ना तो ये वाले मेथड को आप अप्लाई करना, ठीक, इसमें क्या करना है कि कोई सा भी दो नंबर लेना, ये 512 और जो जो था ना, 512 1408 और ये था 896, इसमें से कोई सा दो नंबर ले लेना और ऐसे करना, तो मैं 512 और 896 को ले लिया, 512 को मैं डिवाइड करूँगा किससे, 896 से, कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, 512 यहाँ पे आएगा और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 384, अब इसको आप डिवाइड करो किसमें, 512 में, 512 को आप डिवाइड करोगे किसमें, तो कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, 384 से माइनस करोगे कितने बार में, मतलब कितना बचेगा फिर रिमाइंडर, 128, ठीक, अब इस 128 को आप डिवाइड करो किससे, इससे, इस फिगर से 384 से, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 384 है उसको तीन टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड कर जा रहे हैं, इसलिए इसका आंसर है, यानी वहाँ तक पहुँचना है जहाँ पे एक ऐसा नंबर आएगा जब वो कम्प्लीटली डिवाइड कर जाएगा तो वो उसका आंसर होगा, ठीक है, ऐसा होता है इसका तरीका, ठीक है, आप क्वेश्चन में दे दूंगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, चलो नोट करो फटाक से, अगला क्वेश्चन बना लो आप लोग, आप लोग को नोट्स मिला उस पर, बढ़े आगे हो गया आकाश, अरे PDF आएगा ना ग्रुप में, नहीं आता क्या, हाँ जल्दी करो जल्दी, चलो बनाओ इसको,
इसको अभी जैसे सॉल्व किए थे ना वैसे बनाएंगे तो इजी पड़ेगा। कुछ आया आंसर? अभी जो मेथड सॉल्व किए थे ना उससे करना। नहीं यार, मेरे को लग रहा है क्वेश्चन ही कुछ गलत तो टाइप नहीं कर दिए हैं। चलो देखते हैं ये इससे अपन वो करेंगे। इससे तो कितना बचेगा? 1651 बचेगा, है ना। 1657 माइनस 6 करेंगे कितना बचेगा जी? 1651, ठीक है। और 2037 माइनस 5 करेंगे कितना बचेगा? 2032 बचेगा, ठीक है। अभी जिस मेथड से सॉल्व किए थे उससे करेंगे, ठीक है। 2032 हो जाएगा, यहाँ पे 1657 हो जाएगा। अरे वन होगा, वैसे वहाँ से मतलब नहीं है अपने को। 1651, ठीक। यहाँ क्या बचेगा? वन। यहाँ कितना बचेगा? 35 और 38, 38 ना, ठीक। अब आप डिवाइड करोगे 1651 को इससे, ठीक है। ये कितने बार में जाएगा? चार बार में। 381 इंटू 4, 4, 4 अट्ठे 32, हंसले 3, 4 के 12, 15, 1524, ठीक। ये कितना हो जाएगा? 7, और 4 में 2 गया 2, और 127, ठीक है। 127, 381, ये तीन बार में तो चल देगा, आंसर आपका 127 आ जाएगा, ठीक है। ये तीन बार में चल देगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 127, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मतलब जब भी बड़ा फिगर आएगा ऐसा टाइप का, क्लियर, तब आपको क्या करना है? ये वाले मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। 127 प्राइम नंबर है क्या? 127 प्राइम नंबर है क्या? है ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि जो प्राइम नंबर रहता है ना उसका ऐसा निकालना डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। ठीक है।
समझ आया ना ऐसे करना। कहाँ पे अमितेश, कहाँ पे फंस गए थे? अच्छा, गलती हो गया था ना, ठीक है, समझ आ गया ना ये वाला? समझ आ रहा कि नहीं? यार आप लोग पूछ सकते हो ना, समझ नहीं आएगा तो बताइए। आपको समझ आ रहा? ठीक है, चलो अगला प्रश्न बनाओ, फिर आगे का जो भी रहेगा उसको घर पे बनाना, ठीक है। 726 और क्या 901, इसको भी सेम मेथड से बना सकते हो जिससे अभी हम लोग बनाए हैं। आया आंसर इसमें? सबसे लास्ट वाला, हाँ बना जी। कैसे नहीं बना पाते यार आप तो? देखो 726 में कितना घटाएंगे अपन, 9, तो कितना आएगा 717, है ना? और 901 में अपन घटाएंगे क्या 5, तो कितना बोल रहे हो? 896, ठीक है 896 ना। चलो देखते हैं, ठीक वही वाला मेथड लगाते हैं। 717 ये कितना हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे? बचेगा 9, यहाँ पे 79, इतना ही बचेगा ना। अब इसको डिवाइड करो 717 से, ठीक है, कितने बार में जाएगा? 9 टाइम्स में, 8 टाइम्स में, 9 नियम 81 हंसला 1, 7 8 56, 7 नियम 63 और 8 179 बचेगा। कितना कितना? 716, तो ये तो 1 हो जाएगा यार, उसके बाद तो कुछ ऑप्शन नहीं है। अब एक ऑप्शन है कि ये विलोपित किए, एक मिनट है, पुराने मेथड से कहाँ बनेगा, रुको, विलोपित जैसा लगे, रुको ना अभी सही करके बनाते हैं इसको। ये देखिए बना ना, ये 729 है, इसको अभी बना लो 729 करके, सुधार के बना लेना 729, आप लोग उसमें भी सुधार लेना, आप बनाओ तो।
उसमें 720 बचेगा है ना, अरे 720 नहीं, हाँ 720। आपकी कितना आ रहा है आंसर अब? 16 आ रहा है। ठीक, 7 × 9 − 9 करेंगे 720, और 901 में आप माइनस करोगे क्या 5, कितना बचेगा 896। ठीक है, आप लोग के हिसाब से आंसर आ रहा है 16 है ना, वही मेथड से सॉल्व किए जो भी बना रहे थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आज की क्लास में कुछ डाउट अभी तक में ऐसे ही बनेगा ना, तो आप लोग जो टाइप टू करके जो भी क्वेश्चन दिया है ना उतने को कल बना के लाना। ठीक है, और उसमें से कुछ नहीं बनेगा या नहीं समझ आएगा तो उसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक, बाकी यहाँ पे भी बना के देखेंगे, यहाँ पे भी बना के पूरा देखेंगे उसको। क्लियर है? चलो फिर मिलते हैं फिर कल। ठीक है, देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है, 14 क्वेश्चन तक आप लोग को कल बना के लाना होगा है ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल। थैंक यू वेरी मच।